तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि Redmi Y3 आपका बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, आपका इंडिया लॉन्च पूरी तरीके से ऑफिशियल ही हो चुका है। तो आगे जब वीडियो करने तक देते ना कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसको रिक्वेस्ट बस यहाँ पर एक छोटी सी लाइक जरूर कर देना, आज से भी ना भूले। और यहाँ पर आपका लाइक बनता भी है कि आपको सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही देने वाला हूँ। तो अगर अपने मुद्दे पर निकल कर आता है, सबसे पहले आपको बता दूँ, आपका Redmi Y3 का लैंडिंग पेज ही देखने को मिल चुका है अमेजन के ऊपर, जहाँ पर इसके की स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ पता लगी है ये कि आपको ड्यूडर नॉच देखने को मिलने वाली है नोट 7 सीरीज की तरह ही, ना कि डिज़ाइन के मामले में कोई यहाँ पर कमी नहीं करी गई है। बात कर ली जाए इसी नॉच के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलनी है Y3 के अंदर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इस बार आपका सच में आपका सेल्फी किंग ही रहने वाला है। वैसे आपको यहाँ पर बता दूँ, आपका ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि आपका सैमसंग का GD1 सेंसर ही देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, जो कि आपका बता दूँ 4-in-1 पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और अगर यहाँ पर बात कर ली जाए इसके ओरिजिनल पिक्सल साइज की, तो आपको 0.8 माइक्रोन्स देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से जैसे 48 मेगापिक्सल का है। पर खैर यहाँ पर आपका पिक्सल बिनिंग के चलते आपको बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलेगी। बात कर लीजिए यहाँ पर बाकी डिज़ाइन की, तो आपका डिज़ाइन नोट 7 सीरीज की तरह ही रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा टेक्सचर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका टीजर के अंदर देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर आपको फिजिकल वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है पीछे की तरफ, साथ ही आपका डुअल रियर कैमराज भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का चांस मुझे बहुत ज्यादा कम लग रहा है, यहाँ पर आपका नॉर्मल 12 मेगापिक्सल के आसपास ही देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बात कर ली जाए प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपका स्नैपड्रैगन करके टीज करा गया कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, पर आपका बताया नहीं गया है कौन सा देखने को मिलेगा। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है 632 633, या फिर हो सकता है आपको 608 तक देखने को मिल जाए। पर यहाँ पर आपका प्रोसेसर थोड़ा पावरफुली लगाएंगे, क्योंकि 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी सपोर्ट करवानी है। बाकी इस बार बात कर लीजिए बैटरी डिपार्टमेंट का, बहुत ज़्यादा टीज करा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2 दिन की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, यानी जो आपको वाई सीरीज के अंदर थोड़ी सी कमी रहती थी बैटरी को लेकर, उसे इस बार आपका दूर कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर बात कर लीजिए एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो यहाँ पर आपका ड्यूरेबिलिटी यानी मजबूती को भी थोड़ा सा टीज करा गया है। पहली चीज़ यहाँ पर ये कि प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी ग्लास के ऊपर, हालांकि बताया नहीं गया है, पर कम से कम गोरिल्ला ग्लास 5 या 3 तो देखने को मिलनी ही है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा एक चीज़ अच्छी लगी है यहाँ पर ये कि Redmi Note 7 सीरीज की तरह इसके अंदर भी आपको स्प्लैश प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका इस चीज़ के लिए एक लाइक तो Redmi के लिए बनता ही है। बाकी यहाँ पर बात कर जाए लॉन्च डेट की, तो आपको 24 अप्रैल को ही लॉन्च होने जा रहा है दोपहर को 12 बजे, यानी आपका 10 दिन से भी कम समय रह गया है। एकदम से आपका सरप्राइज ही देखने को मिला है Y3 का। और बाकी आपको प्राइसिंग भी पता ही है, 10-11 हज़ार की रेंज में रहने वाला है बेस वेरियंट। तो आप समझ सकते हो इतनी प्राइस रेंज के अंदर का 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पर आपको कितना बेहतरीन काम करने वाला है Y3। तो कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताना। बाकी आप रिक्वेस्ट बस एक छोटी सी लाइक जरूर कर देना, आज से भी ना भूले। आपका लाइक करने से वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। इसके अलावा बाकी वीडियो चैनल पर जाकर देखो, लाइक कर देना और दबा दो। मिलता है स्टूडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।